ओम शांति। आज आपका 161वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वरदान में ये जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है, ये लिंक आपको लेके जाएगा सारे फिटनेस, योगासन, वेलनेस, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, मोटापा घटाने के लिए और सोने की विधि के बारे में। तो इसको देखते रहें और साथ में इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। आज के ईश्वरीय वरदान में परमात्मा पिता हमें ड्रामा जो उन्होंने पूरा खुलासा किया है ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के, कि ड्रामा कैसे रचा गया था, परमात्मा का रचे हुए ड्रामा कितने समय तक चलता है, क्या वो 5000 वर्ष का ड्रामा के खत्म होने वाला है, क्या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है लोगों ने कि 40000 वर्ष तक दुनिया आगे बढ़ेगी, उस सब चीज़ों का राज जब परमात्मा हमें बता देते हैं तो फिर जो आने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाली चीज़ें हैं, जो पूरे विश्व में होने वाली हैं या किसी व्यक्ति के साथ में होने वाली, कि आपके परिवार में ही होने वाली हों सारी चीज़ें, उसको देखते हुए भी आप अचल अडोल रहते हैं। तो ये फायदा कब हो पाएगा, जब आपको ये ज्ञान होगा। तो परमात्मा पिता देखें आज कहते क्या है इस ड्रामा में। परमात्मा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की जो पॉइंट्स परमात्मा ने बताई है कि ड्रामा जो है उसको कोई बदल नहीं सकता। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट लेके आई है, हर एक का एक सीमित टाइम है शरीर में, अपने अपने शरीर में आना जाना रहेगा। हर एक आत्मा को शरीर छोड़ के अगला जन्म लेना ही है और ऊपर जाने का समय भी बहुत निकट आ रहा है सारी आत्माओं का। तो महाकाल का समय आ गया है, ग्रेट एपोक्लिप्स का समय आ गया है और परमात्मा कहते हैं कयामत का समय भी बहुत ही निकट है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि जब आपको सब बता देता हूँ मैं कि समय कौन सा चल रहा है, तो आप घबराते नहीं हो सारी दुनिया के इवेंट्स को देख करके, आपके अंदर कोई इरिटेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, आप अचल अडोल रहते हो, मन से आप सब कुछ देखते हुए उसमें भी कल्याण देखने वाले बन जाते हो। तो ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अटोल भव, ये आज का वरदान। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले, साक्षीपन मीन्स डिटैच होकर के देखना, साक्षी होकर के देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, हाय तौबा नहीं करना उसके अंदर, तो पर रहने वाले अचल अटोल भव। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं, जिनको ड्रामा की पॉइंट का अनुभव है, जिनको पता है कि इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है और अपने परिवार में हर चीज को करते हुए एक एक गेस्ट की तरह इस धरती पे आई हूँ मैं आत्मा, आप इस गेस्ट की तरह एक धरती पे आए हैं आत्मा, आपको अपने परिवार में रहते, जो कि कोई भी सदस्य आपके परिवार का परमानेंट नहीं है, इस दुनिया में भी कोई परमानेंट नहीं है और दुनिया की चीजें, वस्तुएं जो आजू बाजू आपको दिख रही है वो भी कोई परमानेंट नहीं है। तो आप साक्षी होकर के रहें, एक होटल में जैसे कोई रहता है, चीजों को इस्तेमाल करता है, संभाल करता है, लेकिन उनके साथ में मुंह में नहीं फंसता, ना वहाँ पे रहने वाले होटल के ओनर के साथ में, ना होटल के कर्मचारियों के साथ में। वैसे भी आप परिवार में वैसे रहें, सबके साथ मिलन जुलन करके रहें, मिलनसार रहें, सबसे प्रेम करते रहें, लेकिन किसी से अटैचमेंट ना रखते हुए, किसी वस्तु से अटैचमेंट ना रखते हुए, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है, कब किसी का पार्ट खत्म हो जाए, कब किसी का वक्त खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। तो इसके परमात्मा कहते हैं साक्षी होकर के इस पॉइंट को समझ करके चलना जरूरी है। तो फिर बाबा कहते हैं आगे, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल अंगद जैसे अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी। तो जैसे कि ये जो पैंडेमिक आया हमारे सामने, इस पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, जिसको हम कहते हैं देहांत या मृत्यु कहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान के अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार, कि कोई मरता नहीं है, बस एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। हाँ, बहुत दुख होता है काफी सारी आत्माओं को अपने घर के सदस्य को शरीर छोड़ते हुए देखते हुए, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं आध्यात्म में लिप्त हैं, लीन हैं, उनको ये सारी चीज़ें देखते हुए भी कोई असर नहीं पड़ता। उनको पता है ड्रामा बना बनाया है, हमको समय के लिए इस धरती पर आए हैं इस ड्रामा में एक्ट करने के लिए, और हम सब एक्टर्स हैं, मरना तो किसी को है नहीं, सबको ऊपर वापस जाना है, तो मरा तो कोई है नहीं, बिछड़ा भी कोई है नहीं, हर आत्मा इसी धरती पर है, शरीर छोड़ करके नया जन्म ले लेगी, किसी और परिवार में चले जाएगी, माता पिता वहाँ बदल जाएंगे, जो बूढ़ा व्यक्ति था पिछले जन्म में वो अगले जन्म में जाके बच्चा बन जाएगा फिर से। तो ये रीति जो है ये तो साइकिल चलना ही है, तो फिर डरना क्यों है और फिर किसी से मोह में, किसी से लिप्त क्यों होना है। अपने पार्ट पर ध्यान दें और सारे ड्रामा को परमात्मा के जैसे साक्षी होकर के देखें। कैसे? परमपिता परमात्मा तो ऊपर बैठ करके अपने ज्ञान के नेत्रों के द्वारा, क्योंकि ऊपर तो किसी को शरीर होता नहीं है,
तो परमात्मा को भी ऊपर शरीर नहीं है, तो वो ऊपर बैठ करके अपने ज्ञान के चक्षु, ज्ञान नेत्र, मतलब तीसरा नेत्र, मतलब कि बिना शरीर वाला नेत्र, परमात्मा प्रकाश बिंदु आत्मा अपने ज्ञान के चक्षु के द्वारा सारे ड्रामा को ऊपर ही बैठ करके समझते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब समय आता है परमात्मा धरती पर आकर के हम बच्चों को सारे ड्रामा के राज के बारे में बताते हैं, तो जब हमें सारे राज पता चल जाते हैं तो आप कभी नाराज नहीं होंगे। नाराज होने का कारण क्या होता है, जब हमें कोई राज नहीं आता, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, भगवान ने ये क्या कर दिया, ये क्यों छीन लिया मेरे से, वो क्यों ले लिया मेरे से, ये तो देना चाहिए था, मैंने इतनी तपस्या करी, मैंने इतना दान पुण्य किया, भगवान ने मेरी अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं करी। परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ बंद हो जाएगा जब आप आकर के मेरे ज्ञान को सुनेंगे, सारे राज को सुनोगे, सारे ड्रामा को समझोगे कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। तो ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख, वो ना किसी व्यक्ति में बुराई देखती है, उसके अंदर भी अच्छाई देखती है, किसी से कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी वो समझते हैं कि इसका भी कल्याण है, गिरने में ही चढ़ना होता है, ये बहुत बड़ा राज है। जब तक कोई आत्मा गिरते नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से वो गिरे नीचे, ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई कंगाल हो जाए धन के द्वारा, सिर्फ वही गिरना नहीं, अपने मन बुद्धि के अनुसार भी जब तक आत्मा बिल्कुल तुच्छ नहीं बनती, जब तक बिल्कुल मैली नहीं बनती सोचाई में भी, तब तक उसको परमात्मा की याद नहीं आती, दुख नहीं होता। तो जब तक दुख नहीं होता तो दुख में कोई सिमरण करता ही नहीं है। तो किसी का गिरना भी हमें साक्षी होकर के देखना है, बार बार बचाने के लिए जाना, उसको हाय तौबा करना, ये भी ठीक नहीं है, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो चाहे दुनिया का सदस्य हो। हाँ, मदद करनी है उसको, दिशा दिखानी है, लेकिन माने ना माने, वो जब तक अनुभव नहीं करता तब तक वो परमात्मा के प्रति भी नहीं उसका प्रेम बढ़ता, ना ही उस दुनिया में या किसी संसार की चीज़ में। जब तक कोई ठोकर नहीं खाता तब तक वो ठाकुर नहीं बनता, जब तक किसी को चोट नहीं लगती तब तक वो आगे बढ़ता नहीं, उठता नहीं उस जगह पर, वो हाय हाय नहीं करता फिर। तो परमात्मा कहते हैं हर एक किसी के ड्रामा को साक्षी होकर के देखना बहुत ज़रूरी है, डिटैच होकर के, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है और लास्ट में तो हर एक को जाना ऊपर ही है, तो फिर चिंता किस बात की है। ये ड्रामा में हम आए हैं एज एन एक्टर, कुछ समय के लिए हैं, वापस जाएंगे ही जाएंगे हर कोई। फिर परमात्मा कहते हैं ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख, अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अब जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं इस पेंडेमिक के टाइम पे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिसमें कि मैं आत्माओं को और आप जैसे सुनने वाले श्रोताओं तक परमात्मा पिता का जो ज्ञान है वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, जिसमें मेरा तो भला ही भला है क्योंकि मैं परमात्मा को याद कर पाता हूँ उसके द्वारा, और हाँ आपकी सेवा में उपस्थित रह पाता हूँ, आप सुन पाते हैं, मुझे भी खुशी, आपको भी बहुत खुशी मिलती होगी इस सारी चीज़ को सुन करके, तो वो मुझे एक फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ मैंने जब पूरी दुनिया में धन कमाने की विधियां बहुत चेंज हुई, परिवर्तन हुए, किसी के बिजनेस लूप खत्म हुए, किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बिजनेस खत्म हो गए, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, तो हर एक ने अपने अपने नए तरीके ढूंढे। परमात्मा पिता ने मुझे भी नया तरीका दिखाया कि बच्चे इस तरीके से भी कमाई कर सकते हो और शरीर निर्वाह अर्थ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, तो बहुत फायदे भी हुए। हाँ, बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों ने शरीर छोड़ा, दुख तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनके लिए बहुत दुआएं निकली, दुख की जगह दुआएं, दुआएं निकली कि उनका अगला जन्म अच्छा हो, स्वस्थ घर में हो, बहुत ही अच्छे घर में हो, धार्मिक घर में पैदा हो, सबके सब ये दुआएं निकली जो कि परमात्मा ने मुझे सिखाई हैं ब्रह्म कुमारी इसमें, कि सबके लिए दुआएं ही निकले, कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकले, क्योंकि बद्दुआएं वापस आकर के हमको ही लगती हैं। ये राज समझा दिया तो नाराज क्यों होना किसी से, कोई कुछ भी करे हमारे साथ में आकर के, हमें तो पता है कि पिछले जन्मों का जो पलड़ा है वो भारी हुआ हुआ है, हमने बुरे कर्म किए हुए हैं, तो कभी किसी को धन के द्वारा वापस करना, कुछ धन लूट जाना हमारा, कभी प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, कभी आपके शरीर में कुछ व्याधि आ जाना, कभी किसी के साथ में मन मोटाप होना, ये सब कुछ आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है जो कि आप चुकतू कर रहे हैं, जिसमें आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें बद्दुआएं देंगे किसी को नुकसान होने पर, तो आप अपना पलड़ा और भारी कर रहे हैं। तो परमात्मा ने सिखाया है कि हमें अपना पलड़ा हल्का करना है, वो भी कैसे करना है, दुआएं दे करके, और सब कोई जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है उसको दुआएं दो, उसका भला हो, चाहे वो धन का आपको नुकसान करे उसको धन की दुआएं दो, आपके अंदर आपके पास बहुत धन हो, अगर आपको आकर के आपको तन का कोई नुकसान करे आप बोलो आप स्वस्थ रहो, चाहे संबंध में आपको आकर के दुख दे आपको हो, आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, तो ये सारे दुआएं दे करके हमें आगे बढ़ते रहना है, परमात्मा हमसे यही चाहते हैं। अब बाबा कहते हैं अकल्याण का खाता खत्म हुआ। अब जो अकल्याण का खाता है, जब ड्रामा खत्म हो रहा होता तो लास्ट में फटाफट फटाफट सबके साथ में हिसाब किताब चुकतू करके
हमें आगे बढ़ते जाना है, कोई बुरा करे उसको भी दुआएं देखते हुए आगे बढ़ना है, बिकॉज अब ड्रामा का अंत आने का समय है। 40,000 वर्ष नहीं बाकी बचे हुए हैं। लोग कहते हैं 40,000 50,000 वर्ष बाकी, आप खुद ही कहिए। साइंटिस्ट लोग देखिए कहते हैं कि हम मार्स में पानी ढूंढ रहे, इधर तो पानी ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या इशारे हैं वो? यहाँ धरती पर पॉपुलेशन बढ़ी तो खान पान और अन्न सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंसान को नहीं मिलेगा। इसलिए तो सारी दुनिया लगी हुई है कि कहीं पानी ढूंढ लें, क्योंकि जानते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया की हालत क्या हो रही है। तो ये सारे इशारे हैं कि 40,000 वर्ष तक ये दुनिया नहीं चल पाएगी, इतनी ताकत ही नहीं रही है धरती में कि ये इतनी पालना दे पाई है धरती माँ हमारा। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम समझे इस ड्रामा को आकर के, और अकल्याण का खाता खत्म हुआ होते जा रहा है, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है, क्योंकि इस समय परमात्मा से मिलन होता है हमारा। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। जब नॉलेज मिल गई आपको, सब टेस्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, दुनियावी टेस्ट पेपर में भविष्य में क्या क्या होने वाला है, धरती पर कौन सी कंट्री के साथ में क्या होगा, कौन से धर्म के साथ में क्या होगा, आपके परिवार में क्या हो सकता है, आपकी सिटी में क्या हो सकता है, तो आपको जब सब कुछ पता चल चुका है इस ज्ञान के द्वारा, तो आप घबराएंगे कहाँ, आप अचल अडोल रह जाएंगे। तो ये वरदान तभी आपको मिल पाएगा जब आप 7 दिन का कोर्स आकर के ब्रह्म कुमारी इसमें करेंगे, आप समझेंगे कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं और ड्रामा बना कैसे है। तो इसको आकर के समझिएगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।